मिस्टर हेल एलरॉड 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपनी नई गाड़ी मस्टैंग से घर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था और वो जोर से उनकी गाड़ी से टकरा गया। धमाका इतने जोर से था कि वो अपनी स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच में दब चुके थे। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने खून से लथपथ हेल को गाड़ी से बाहर निकाला, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उन्हें अचानक होश आ गया और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और उनकी 7 सर्जरियां हुई। जब 6 दिनों के बाद उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजारनी पड़ेगी। उस वक्त उन्होंने सोचा, हो सकता है ये सच हो और मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से ही गुजारनी पड़े, लेकिन जो भी हो, मैं हर सुबह अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव कर दूंगा कि मेरा पूरा दिन खुशी से गुजरे। उसके बाद उन्होंने हर सुबह एक 6 स्टेप्स का रूटीन फॉलो किया, जिससे धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। ये 6 स्टेप का रूटीन इतना इफेक्टिव था कि जिस आदमी को डॉक्टर्स ने बताया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे गुजार देंगे, उन्होंने 2008 में 52 घंटे का अल्ट्रा मैराथन भागा और आज वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी देख लेते हैं वो 6 स्टेप्स का मॉर्निंग रूटीन क्या था। ये 6 स्टेप्स का मॉर्निंग रूटीन याद रखने के लिए हेल ने एक एक्रोनिम बनाया, जिसे उन्होंने कहा सेवर्स, जिसमें एस का मतलब है साइलेंस। दोस्तों, हमें से मैक्सिमम लोग उठते ही इतना लेट हैं कि आंखें खोलते ही हमें काम याद आ जाते हैं और अपने काम की तरफ भागना पड़ता है, शायद जॉब, स्कूल या फिर खाना बनाना, घर का काम, कुछ भी। लेकिन हेल बोलते हैं कि सुबह हमें थोड़ी जल्दी उठकर गहरी गहरी सांसें लेनी है। इस 2 से 3 मिनट के शांत वातावरण में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचिए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, यानी भगवान ने आपको जो जो दिया है उन्हें पूरे दिल से उसके लिए धन्यवाद बोलेंगे, तो उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप अपने में महसूस करेंगे। दोस्तों, दूसरा आता है ए, यानी एफर्मेशंस। दोस्तों, अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करने के लिए और अपने को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हम एफर्मेशंस करते हैं। ये चीज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इमोशन के साथ अपने गोल को बार बार रिपीट करके कि हम क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। ये चीज कॉन्शियसली करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे थॉट्स, हमारे विचार चेंज होंगे, जिससे हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास चेंज होगा और ये हमारा बिहेवियर चेंज करेगा, जो फाइनली एक अच्छी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है वी, यानी विजुअलाइजेशन, जिसका मतलब है मेंटल रिहर्सल, यानी अपने दिमाग में पिक्चर्स देखना उन स्पेसिफिक बिहेवियर की या आउटकम की जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को टॉप एथलीट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, लेकिन हेल बोलते हैं कि हमें विजुअलाइजेशन सिर्फ उन चीजों की नहीं करनी चाहिए जो हमें पाना है, बल्कि उन चीजों की ज्यादा करनी चाहिए जो उस गोल को पाने के लिए हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ई, यानी एक्सरसाइज। हेल बोलते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज को अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड कर दें तो ये ना सिर्फ हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी, बल्कि हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और हमारी थिंकिंग पावर को भी इम्प्रूव करेगी। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन कम हो जाएगा और हम चीजों पे ज्यादा देर तक फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आर, यानी रीडिंग। हेल बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सिर्फ रीडिंग से पॉसिबल है। दोस्तों, यही एक तरीका है जिससे आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से बहुत जल्दी नॉलेज अचीव कर सकते हैं, उनसे आइडियाज ले सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लाइफ में लेवल 10 पे पहुंच सकते हैं। जब भी आप बुक पढ़ें तो ये मत सोचिए कि आप 4 काले अक्षर पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी के साथ एक चाय पी रहे हैं जो आपको अपनी पूरी जिंदगी के आइडियाज दे रहा है। दोस्तों, लास्ट आता है एस, यानी स्क्राइबिंग, यानी आप अपने सारे आइडियाज को एक नोटबुक पर लिखें। दोस्तों, एक कहावत है, अ डल पेंसिल इज बेटर देन द शार्पेस्ट माइंड। हर रोज हमारे दिमाग में हजारों ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, लेकिन हेल कहते हैं कि अगर हम इन आइडियाज को एक नोटबुक पे ना उतारें तो थोड़े दिनों बाद ही हम इन सबको भूल जाएंगे। अगर हम अपने गोल्स को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं तो उन्हें पेपर पे उतारना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स लाइट अप हो जाते हैं, जिसे हम ब्रेन वायरिंग भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, facebook.com/greatideasgreatlife।